ओके स्टूडेंट्स देन मैथमेटिक्स में मल्टीप्लीकेशन का ही आगे के पेज से हम देखेंगे पेज नंबर इज़ थर्टी कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन तो आई होप आपने टू से लेके टेन तक के टेबल राइट करके लर्न भी किए होंगे ओके सो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए गुणाकार करने के लिए आपको टेबल्स आना ज़रूरी है बाकी कुछ भी नहीं अभी पे देखो थ्री सिक्स थ्री इंटू सिक्स मतलब थ्री सिक्स ज़ा तो आपको थ्री का टेबल आना चाहिए सो थ्री इंटू सिक्स तो थ्री के टेबल में आप सिक्स नंबर पे देखो सिक्स पोजीशन पे कौन सा नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो थ्री सिक्स ज़ा एटीन इजी सेम फाइव थ्री जा तो फाइव के टेबल पे थर्ड पोजीशन पे वन टू थ्री ये देखो ये थर्ड है ना फाइव थ्री जा फिफ्टीन समझ आया फिर सेवन फाइव जा तो सेवन के टेबल पे फिफ्टी पोजीशन पे ये रहा फिफ्थ और ये रहा सेवेन्थ क्या है थर्टी फाइव तो आपको इसी तरीके से ये वाले कंप्लीट करने बुक पे ही ओके अभी नीचे देखो फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो मेक एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड सॉल्व देम द एग्जाम्पल रेड फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर आपको एक एग्जाम्पल बना के दिया है और नीचे पिक्चर्स दिया आपको उससे एग्जाम्पल बनाने हैं मल्टीप्लीकेशन के ओके तो हम पहले फ्लावर्स वाला देखते हैं देर आर सिक्स फ्लावर्स इन ईच रो हर एक लाइन में सिक्स फ्लावर्स है हाउ मेनी फ्लावर्स इन फोर सच रोज तो चार रोज में कितने फ्लावर्स होंगे ओके तो कितने फ्लावर्स है एक रो में वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स फ्लावर्स इन वन रो एंड नंबर ऑफ रोज कितनी लाइन्स है वन टू थ्री फोर तो सिक्स कितनी टाइम आया फोर टाइम तो इसलिए सिक्स फोर जा तो टोटल नंबर ऑफ़ फ्लावर्स फ्लावर सिक्स जा वन टू थ्री फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर आप काउंट भी कर सकते ओके okay? अभी बॉल का देखो बॉल इन बॉक वन बॉक्सेस एक बॉक्स में कितने बॉल है वन टू थ्री थ्री बॉल्स इन वन बॉक्स कितने बॉक्सेस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन देर इन सेवन बॉक्सेस डैश बॉल्स इन ऑल तो सात बॉक्स में एक बॉक्स में तीन बॉल है तो सात बॉक्स में सेवन बॉक्सेस में कितने बॉल्स होंगे करेक्ट सो थ्री कितने टाइम्स आया सेवन टाइम्स तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऐसा बनेगा सम थ्री जा थ्री क्या है नंबर ऑफ बॉल्स और सेवन क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस ओके okay. और टोटल बॉल्स कितने होंगे थ्री सेवन सा तो थ्री के टेबल पे सेवेंथ पोजीशन देखो को कौन है ट्वेंटी वन और आप काउंट भी करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन बॉल्स इन ऑल अब यहाँ पे देखो आपको प्रॉब्लम बनाना है जैसे ये फ्लावर्स का था वैसे तो यहाँ पर डॉल्स किचन है वन टू थ्री फोर फाइव है और एक कितने की है एट रुपीज़ की है तो फाइव कितने रुपीज़ की होंगी देर आर एट किचन्स देर आर एट किचन्स वन किचन इज़ फॉर एट रुपीज़ देन फाइव किचन्स देन वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइव किचन्स तो सम कैसे ये हम राइट नहीं करेंगे यहाँ पे आपको ऑलरेडी वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं हम ये खाली बनाएंगे एक किचन कितने की है एट रुपीस की और टोटल कितनी किचन से वन टू थ्री फोर फाइव तो एट फाइज़ा आंसर आएगा एट क्या है वैल्यू सॉरी वैल्यू ऑफ वन डॉल लिखते हैं हम यहाँ पे शॉर्ट में और फाइव रुपीस क्या है नंबर ऑफ डॉल्स नंबर ऑफ़ डॉल्स आंसर क्या आएगा एट फाइज़ा तो एट के टेबल पे वन टू थ्री फोर फाइव फोर्टी है तो आंसर आएगा फोर्टी रुपीज़ टोटल तो फिर नीचे देखो सेम मैंगो एप्पल्स दिए हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव एक के एक पर में या एक बास्केट में फाइव एप्पल्स है और टोटल बास्केट्स कितने हैं फोर है तो सेम फ्लावर्स की तरह ही आएगा देर आर फाइव एप्पल्स इन ईच बास्केट हाउ मैनी एप्पल्स इन फोर बास्केट्स तो फाइव एप्पल्स फोर बास्केट आंसर आएगा फाइव फोर जा, ट्वेंटी ये आंसर आएगा इजी ये नंबर हम नहीं राइट करेंगे ऑलरेडी आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, देखो फर्स्ट वन यूजिंग टेबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, ओ ऑन हिज बर्थडे चिंटू बॉट सिक्स पेंट्स एट रुपीज फाइव पर पेंट चिंटू ने अपने बर्थडे पे पाँच रुपये का एक पेन इस हिसाब से सिक्स पेन्स खरीदे हाउ मच मस्ट ही पे द शॉपकीपर फॉर दम तो छः पेन खरीदे एक पेन पाँच रुपये का तो उसने कितने पैसे पे किए हो गए होंगे तो वी मस्ट से फाइव टाइम्स टेबल अप टू फाइव सिक्स ओके ये जा, जाने दो कितने पेन्स सिक्स पेंस एक की कितनी कॉस्ट फाइव रुपए तो आप सिक्स के टेबल पे फिफ्थ पोजीशन देखो वन टू थ्री फोर फाइव आंसर क्या है थर्टी टोटल कॉस्ट होगी या फिर आप फाइव के टेबल में सिक्स पोजीशन देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आंसर क्या है थर्टी है सो फाइव सिक्स आर थर्टी दैट इज़ फाइव इंटू सिक्स थर्टी सो चिंटू मस्ट पे रुपीज़ थर्टी ऑल टुगेदर तो आप फाइव सिक्स सिक्स ज़्यादा देखो या सिक्स फाइव ज़्यादा देखो आंसर सेम ही आएगा जैसे हमने एडिशन के टाइम पर देखा था आप टू प्लस वन लिखो या वन प्लस टू लिखो वही नंबर ऊपर नीचे करो आंसर सेम ही आता है सेम मल्टीप्लिकेशन का होता है सिक्स इंटू फाइव करो या फाइव इंटू सिक्स करो फाइव सिक्स ज़्यादा थर्टी सिक्स फाइव ज़ा थर्टी आगे आपको ये है ओके नेक्स्ट हाउ मेनी ट्रीज इन फाइव रोज इफ़ देर आर एट रोज़ इन वन रो पांच रो में कितने पेड़ होंगे अगर एक रो में एक लाइन में आठ पेड़ है ट्रीज इन ईच रो एट और रोज कितने हैं पाँच तो so, मल्टीप्लीकेशन के लिए आप एट का टेबल भी बोल सकते हो या फाइव का टेबल भी उल्टा सीधा देखो यहाँ पे उल्टा यहाँ पे दिया है रोज़ ऊपर दिए फाइ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन ईचरोट फाइव एट ज फोर्टी देख सकते आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फाइव एट ज़ा फोर्टी और यहाँ पे राइटिंग में क्या दिया है वी शैल यूज़ द एट टाइम्स टेबल एट फाइव ज़ार फोर्टी वन टू थ्री फोर फाइव फोर्टी फोर्टी सेम तो बस उल्टा सीधा सेम ही आएगा आंसर फोर्टी ट्रीज अब यहाँ पे देखो इफ़ नाइन लड्डूस कैन भी पुट इन वन बॉक्स एक बॉक्स में नाइन लड्डू रख दिए सो टोटल सात बॉक्सेस में कितने रखेंगे तो टोटल बॉक्सेस है सात हर एक में नाइन लड्डू जाएंगे तो सेवन नाइन जा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सिक्सटी थ्री जाएंगे सिक्स थ्री सिक्सटी थ्री जाएंगे और यहाँ पे देखो विशाल से द नाइन टाइम्स टेबल यहाँ पे बता रहे हैं कि नाइन टाइम्स का टेबल बोले तो नाइन सेवन ज़ा कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्सटी थ्री तो यहाँ पे भी सिक्सटी थ्री ही आएगा बिना आप बन के आप लिख सकते हो अगर एक आपका राइट है ओके okay? नीचे के तीन अभी आपको करने देखो सेवन डेज इन वन वीक हाउ मेनी डेज इन फोर वीक्स एक वीक में हफ्ते में सात दिन होते हैं तो चार हफ्तों में कितने होंगे तो यहाँ पे आपको सेवन फोर ज़ा बोलने को कहा है और यहाँ पे उल्टा दिया है फोर सेवन जा किया फोर वीक सेवन डेज तो कितना आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखना है तो फोर का टेबल आना चाहिए आपको एट टाइल्स इन वन रो एक लाइन में आठ टाइल्स है हाउ मेनी इन थ्री रोज तो तीन लाइन्स में कितने होंगे टाइल्स इन रो एट रोज थ्री है टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रोज थ्री टाइल्स इन अ रो एट उल्टा ही किया है वही सेम नंबर्स ऊपर नीचे सेम तो आंसर आएगा वो आपको दोनों तरह सेम ही आएगा थ्री एट जा भी एट थ्री ज़ा भी सेम ही होगा आपको राइट करने वन गावा कॉस्ट रुपीज सिक्स हाउ मच मनी विल बी नीडेड टू बाय वन गावा फॉर ईच ऑफ द फोर फ्रेंड्स टोनू सोनू नंदू एंड सलमा चार दोस्तों को एक एक गावा देना है मतलब चार गावा बाय करने हैं और एक गावे की कीमत है छः रुपये मतलब एक पेरू की कीमत है सिक्स रुपीज़ तो कितने पैसे भरने पड़ेंगे ओके सिक्स कॉस्ट ऑफ वन गावा एक पैरों की कीमत सिक्स कितने बच्चे को या फिर कितने खरीदने हैं चार तो सिक्स जा आंसर आपका समझ में आया टेबल्स देखो और लिखो यहाँ पे जो आएगा वही दूसरे बॉक्स में भी सेम आएगा इजी फिर यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ टू प्रॉपर्टीज़ उन्होंने बताई है जो अभी मैंने वर्ड प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया थ्री फाइवा करो या फाइव थ्रीजा करो आंसर सेम आएगा देखो थ्री जा कितना है फिफ्टीन है और फाइव जा भी फिफ्टीन ही है देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सेम आया द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ देयर ऑर्डर इज चेंज नंबर्स उल्टा सीधा हुआ हो गया फिर भी उनका प्रोडक्ट उनका आंसर सेम ही आएगा जैसे कि सिक्स फाइव जा इज़ थर्टी और फाइव सिक्स ज़ा भी थर्टी ही समझ में आया ऑर्डर ऊपर नीचे हो गए फिर भी उनका आंसर सेम ही आएगा इक्वल ही होगा इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि थर्टी इज इक्वल टू थर्टी समझ में आया तो ये आपको एक टेबल आया तो भी दूसरा आप सेम लिख दो इजी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ज़ीरो की प्रॉपर्टी देखो अब यहाँ पे देखो हमने स्टार्टिंग में एडिशन के हिसाब से मल्टीप्लीकेशन सीखा था अभी हर एक में टू टू डॉट से करेक्ट सो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू चार बार टू प्लस टू प्लस किया वही मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या सीखा टू फोर टाइम्स इसलिए टू फोर जा एट अभी चार बॉक्सेस में या चार में वन वन डॉट है तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन फोर टाइम वही वन इंटू फोर होगा मल्टीप्लीकेशन में सो वन फोर ज़ा फोर फोर है वन टू थ्री फोर अभी यहाँ पे कुछ भी डॉट नहीं है मतलब वो क्या है जीरो इसलिए ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो वही हम मल्टीप्लिकेशन में किससे कैसे लिखेंगे ज़ीरो फोर टाइम्स लिखेंगे पर आंसर क्या आएगा ज़ीरो ही आएगा सो ये प्रॉपर्टी क्या है वन वी मल्टीप्लाई ज़ीरो बाई एनी नंबर ऑन वैन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय ज़ीरो द प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो जब आप ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे या ज़ीरो से किसी ज़ीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई करोगे आंसर ज़ीरो ही आएगा समझ में आया ज़ीरो इंटू फोर भी ज़ीरो ही है और फ़ोर इंटू ज़ीरो भी ज़ीरो ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो ज़ीरो ही आएगा ज़ीरो से आप कितने भी बड़े नंबर को जाओ गुणने या फिर मल्टीप्लाई करने आंसर ज़ीरो ही आएगा काट बांध के लो ठीक है समझ में आया तो ये वाले आपको सॉल्व करने देखो टू फोर ज़ा एट या फोर टू ज़ा भी एट ही आएगा सेवन ज़ीरो 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 इंटू सेवन ज़ीरो सेवन ज़ा ज़ीरो ओके बाकी के आपको करने अभी यहाँ पे देखो किसको क्या कहते हैं मल्टीप्लीकेशन में सिक्स इंटू फाइव में देखो अभी ये जो ऊपर नंबर हम लिखते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकैंट क्या मल्टीप्लिक फर्स्ट नंबर वी मल्टीप्लाई बाय द सेकंड नंबर और ऊपर वाले नंबर को हम नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर गुणते हैं तो उसको बोला जाता है मल्टीप्लायर क्या मल्टीप्लायर फर्स्ट नंबर होता है मल्टीप्लीकेट सेकेंड नंबर होता है मल्टीप्लायर और जो आंसर आता है उसको बोला जाता है प्रोडक्ट समझ है प्रोडक्ट तो यहाँ पे सिक्स ऊपर है इसलिए सिक्स मल्टीप्लीकेंट है फाइव नीचे है इसलिए फाइव मल्टीप्लायर आंसर थर्टी प्रोडक्ट और वही उल्टा लिखेंगे तो फाइव मल्टीप्लीकेट हो जाएगा सिक्स मल्टीप्लायर हो जाएगा और प्रोडक्ट थर्टी हो जाएगा समझ में आया तो नंबर ऊपर नीचे होंगे तो आंसर भी सेम आएगा खाली उसको बोलने की जगह ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लीकेट नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लायर और आंसर प्रोडक्ट याद रहेगी बात तीन प्रॉपर्टीज़ देखी नंबर्स में मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर चेंज हुआ फिर भी आंसर सेम ही आएगा सिक्स वन या फिर टू टू ज़ा फोर सॉरी टू थ्री ज़ा सिक्स थ्री टू ज़ा सिक्स समझ रहे और ज़ीरो के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे या ज़ीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे आंसर ज़ीरो ही आएगा और किसको क्या कहते हैं फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लिकेंट सेकेंड को मल्टीप्लायर और आंसर को प्रोडक्ट अभी नोटबुक में मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन दिया है तो यहाँ पे बॉक्सेस में मिसिंग नंबर आपको भरने हैं ओके ठीक है देखो थ्री फोर जा सॉरी थ्री फोर जा ट्वेल्व आता है थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व आता है करेक्ट तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा ओके वही उल्टा करना है तो यहाँ पे फोर आएगा फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री फोर जा ट्वेल्व तो यहाँ पे जो नंबर दिया होगा वो पहले आएगा और पहला होगा वो पीछे जाएगा देखो अभी सेवन को कित किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर थर्टी फाइव आएगा तो सेवन के टेबल में थर्टी फाइव कहाँ है यहाँ पोजीशन क्या है उसकी फिफ्थ पोजीशन है तो सेवन फाइवा थर्टी फाइव और फाइव सेवनज़ा भी थर्टी फाइव ही आएगा समझ में आया सेम नंबर आएगा दोनों दो दो, दो, दो बॉक्सेस में अभी थर्टी टू सो थर्टी टू एट पोजिशन पे कहाँ है थर्टी टू देखो तो यहाँ पे है 4 के टेबल में इसलिए फोर एट ज़ा थर्टी टू और ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे फोर दिया है तो आपको यहाँ पे फोर लिखना है और यहाँ पे एट वैसे का वैसे समझ में ठीक है फिर नाइन फाइव ज़ा और फाइव नाइन ज़ा आपको आंसर निकला है यहाँ पे भी आपको अभी लिखना है बाकी का ईजी फिर मैच करना है मल्टीप्लीकेशंस याद ये है उनके आंसर याद ये सही सही आंसर से सही सही को मैच करना है और नीचे के स्पेलिंग्स आपको राइट करने हैं आपकी एक पेज और लर्न भी करने हैं ओके और किसको क्या कहते हैं वो भी आपको समझना चाहिए ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लीके ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लिकेंट नीचे वाले को मल्टीप्लायर और आंसर को प्रोडक्ट ऑल राइट आई होप आपको ये मल्टीप्लीकेशन का लेसन समझ में आया और आप टेबल्स याद करोगे तभी आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आएगा ओके थैंक यू